देखिए, यूपी में चुनाव से एक साल पहले कितने दंगे हुए। आज मैं आपके समक्ष पूछता हूं, आपके दर्शकों और पाठकों से, क्या यूपी में अब कोई दंगे हो रहे हैं? जब उत्तराखंड का चुनाव था तो कितने दंगे उत्तराखंड में हुए एक साल पहले तक? क्या अब कोई उत्तराखंड में दंगा हो रहा है? जब यूपी और उत्तराखंड में चुनाव था तो राजस्थान में कोई दंगे हुए थे? कोई नहीं हुए। अब एक साल में राजस्थान में चुनाव है तो राजस्थान में दंगे शुरू हो गए हैं। देशवासियों समझिए, ये करवा कौन रहा है? ये धार्मिक तुष्टिकरण की नीति भारतीय जनता पार्टी का तकिया कलाम है, ये उनका मूल मंत्र है। क्योंकि वो ये नहीं पूछने देंगे कि चिरंजीवी स्कीम में देश की पहली सरकार राजस्थान की कांग्रेस सरकार है, जहां हर व्यक्ति का इलाज मुफ्त है। मुझे देश में कोई ऐसी सरकार या प्रांत बताइए जहां हर व्यक्ति का इलाज मुफ्त हो। देश में कोई ऐसी सरकार बताइए जहां पर कर्मचारियों के कल्याण के लिए नायाब किस्म की पेंशन स्कीम लागू की गई हो। देश में कोई ऐसी सरकार या प्रांत बताइए जहां हर व्यक्ति का बीमा सरकार ने करवा दिया हो, वो भी 10-10 5-5 लाख रुपए का। मुझे देश में कोई ऐसी सरकार बताइए छत्तीसगढ़ को छोड़कर, जहां बगैर जमीन वाले खेत मजदूर, जो अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लोग हैं, उनको सरकार हर माह पैसा देती हो। कोई ऐसी सरकार बताइए देश में, ऐसी प्रांत की सरकार, जहां किसान को प्रांत की सरकार मासिक पैसा देती हो। ये सवाल इसलिए सामने नहीं आ पा रहे क्योंकि भाजपा के लिए ये सवाल सही नहीं है। उनके लिए हिंदू बनाम मुसलमान, नफरत और बंटवारा, ये उनका एजेंडा है। और इसीलिए जब जब चुनाव जहां जहां आएंगे, अब कर्नाटक में शुरू हो गया है विवाद, 14 महीने तक रहेगा, उसके बाद कोई विवाद कर्नाटक में नहीं रहने वाला। ये उनका मॉडल है, राजनीतिक मॉडल है भाजपा का। जहां चुनाव हो वहां हिंदू मुसलमान विभाजन पैदा कर दो, नफरत के बीज बो दो, बंटवारे की खेती करो, और उसके बाद वोट की फसल काटकर गायब हो जाओ।